नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। पलिया कला दुधवा नेशनल पार्क एक विविधताओं से संपन्न पार्क होने के साथ साथ आस्था इसके रोम रोम में बसती है। हमारे देश में पर्वत पूजा, गौ पूजा, वृक्ष पूजा तथा पक्षी पूजा सहित विभिन्न पूजा अर्चना पौराणिक इतिहास में भी रहा है। हमारे यहाँ के लोग इतने श्रद्धावान हैं कि उन्हें श्रद्धा के आगे कोई समझौता पसंद नहीं है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सरीसृप प्रजाति के कुछ सर्प इतने जहरीले होते हैं कि उनके काट लेने पर तत्काल व्यक्ति काल के गाल में समा जाए, परंतु यहाँ तो नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की भी पूजा होती है। ऐसा ही एक आस्था के केंद्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है सोहरिया और लोखनिया के मध्य बने हुए कच्चे रास्ते पर, जहां पर सर्प द्वारा खेत की बाढ़ हेतु लगाई गई थुनिया के नीचे अपना डेरा बना लिया है। कभी वह थुनिया के ऊपर बैठकर अपना फन फैलाकर लोगों का मन मोहता है तो कभी नीचे बैठ जाता है। इस संबंध में ग्राम सोहरिया पोस्ट बल्ले बेहरा जनपद लखीमपुरी खीरी निवासी चंद्रशेखर उफरिंग को पुत्र श्री प्रकाश से वार्ता के अनुसार हरि नारायण यादव पुत्र बलदेव निवासी लोखनिया के खेत की सुरक्षा हेतु लगाई गई बाढ़ की थुनिया के आसपास एक नाग ने डेरा जमा दिया है। उसके भाव विभाग को देखते हुए वहां आसपास के लोगों में कौतूहल बना हुआ है। लोगों ने उसे नाग देवता समझकर वहां पर मंदिर बनाने की भी योजना बनाने लगे हैं। बताते हैं कि नाग लोगों के आसपास आ जाता है, परंतु किसी भी व्यक्ति पर वह आक्रामक नहीं हुआ है, बल्कि लोग उसे अपने हाथों से दूध पिला रहे हैं। नाग जो थुनिया पर बैठा हुआ है उससे प्रतीत हो रहा है कि वह सरीसर्प वर्ग का सबसे खतरनाक प्राणी किंग कोबरा है, परंतु उसके आवभाव इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वह अपना साधारण व्यवहार लोगों के साथ कर रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी सामान्य प्रजाति का सर्प है, परंतु कुछ भी हो लोगों की उसके प्रति आस्था इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग उसे बिल्कुल भी परेशान होते दिख नहीं रहे हैं।